दोस्तों कल ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने पूरा कंफर्म आपको नोटिस बता दिया था कि एग्जाम जो है ऑफलाइन होने के 95% चांसेस है, वहीं पे ऑनलाइन एग्जाम होने के 5% चांसेस है। आप लोग को दोस्तों मैं उस वीडियो में पूरा दोस्तों 100% सही जानकारी प्रोवाइड कराया हूँ। आप इधर उधर के जानकारी से बचिए और ऑफलाइन मोड में अपनी तैयारी कीजिए। दोस्तों मैं बता दूं कि ऑनलाइन एग्जाम का जो चांस है 5% है, और 5% चांसेस में आपको सीएम भूपेश बघेल जी से जाकर ही मिलना होगा, तभी दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, नहीं तो ऑफलाइन एग्जाम होकर ही रहेगा। दोस्तों 95% चांसेस है, उस वीडियो में बताया था, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो यदि आप नहीं देखे हो तो। इस वीडियो में मैं आप बताने वाला हूं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों कल आप सभी ने टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो पेपर है कटिंग देख रहे हैं, इसमें लिखा था कि अब होगी कॉलेज की परीक्षाएं ऑनलाइन, तो ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों हमारा नोटिफिकेशन नहीं है, ना हमारा दुर्ग यूनिवर्सिटी का है ना परसु का है, ठीक है, तो इस पर आप ध्यान मत देना, ये हम लोग के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग का अब एग्जाम है ऑनलाइन मोड में तो हो नहीं सकता, कंफर्म है दोस्तों ऑनलाइन का चांस अब बिल्कुल भी नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ ऑफलाइन का ही है। तो इस प्रकार की जो नोटिफिकेशन आता है दोस्तों आप लोग को ऑनलाइन ऑनलाइन होगा करके बोला जा रहा है, तो आप प्लीज सावधान रहिए इस नोटिफिकेशन से, बी केयरफुल और अपने पढ़ाई में आप फोकस कीजिए। मैं मानता हूँ कि आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा कम दिनों में, तो अब कुछ चांस नहीं है यार, अब सीएम भूपेश बघेल जी से मिलना पड़ेगा एक टीम बना के, तभी कुछ हो पाएगा। यदि आप लोग ऐसा ग्रुप बना रहे हो तो जरूर बताइएगा दोस्तों, आने की मैं कोशिश कर सकता हूँ सीएम भूपेश बघेल जी से मिलने के लिए, वहां पर जाके हम अपनी बातों को शेयर करेंगे उनसे, तभी दोस्तों कुछ राह निकल पाएगा। और आप सब जानते हैं दोस्तों कि आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम को लेकर फिर से धरना प्रदर्शन के लिए सभी स्टूडेंट एक साथ मिल के जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब वो लोग जाएंगे फिर भी वहां पर कुछ भी निर्णय नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ 100%, वहां भी उन लोगों को आश्वासन ही दिया जाएगा कि आप लोग का एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन का निर्णय शासन करेगा, ऐसा उन लोग बोलेंगे, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा। आप जानते हो कि 12वीं का जो एग्जाम था सुप्रीम कोर्ट तक चले गया था, कल 12वीं का एग्जाम था और आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, और सोचो आप सब लोग दोस्तों यही हालत में थे कि कल निर्णय आएगा तो हमारा 12वीं का परीक्षा रद्द हो जाएगा, हम नहीं तैयारी करेंगे, लेकिन जो ऐसा दोस्तों रुके थे कि कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा तो हम 12वीं का परीक्षा में कल जाएंगे, तो उन लोग के लिए दोस्तों बहुत बुरी खबर थी ना, आखिरकार वो लोग परीक्षा अच्छे से नहीं दिला पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अब मैं 100% बोल रहा हूँ ऑफलाइन मोड में तैयारी करो यार, कुछ नहीं हो सकता। वो लोग जरूर गए हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का घेराव करने, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, वहां पर भी आश्वासन दिया जाएगा, टाइम टेबल को चेंज किया जाएगा और कुछ भी देखने को वहां पर नहीं मिलेगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। यदि आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो और धरना प्रदर्शन में गए हो तो वहां का वीडियो शेयर करना है, देखना है किस प्रकार से वीडियो बना के मैं अपलोड भी कर दूंगा, क्या क्या जानकारी हुआ टेलीग्राम में बता देना, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया हूँ। महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, कई लोग दोस्तों कल मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने दुर्ग यूनिवर्सिटी गया था तो वहां पर कमेंट बॉक्स पर कई लोग कमेंट कर रहे थे, साथ ही साथ दोस्तों मुझे YouTube चैनल है ना तो उसके कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट मिल रहे थे, WhatsApp पर भी बहुतों ने कमेंट किया कि सर कई लोग ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है ये सुन के फांसी लगा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो प्लीज यार बी केयरफुल, सावधान, आप लोग कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिससे आपके परिवार को नुकसान हो, आपके समाज को नुकसान हो और इस देश को नुकसान हो। आप लोग दोस्तों एक एग्जाम के लिए, एक परीक्षा के लिए ऐसा मोड मत उठाना, कोई सुसाइड मत करना दोस्तों, ये बहुत गलत काम है यार, जिंदगी में दोस्तों पाने के लिए करने के लिए बहुत कुछ है, एग्जाम तो ना यार, एग्जाम तो एक जरिया है किसी चीज को पाने के लिए, एग्जाम में फेल हो पास हो इस पर दोस्तों आप इसके लिए दोस्तों आप सुसाइड करो ये बहुत बुरी खबर है, बहुत गलत बात है, प्लीज यार कमेंट बॉक्स पर ऐसा मत लिखो और दोस्तों अब पढ़ाई पर फोकस करो, अगर नहीं भी होगा यार फिर भी कुछ ना कुछ करो, लेकिन सुसाइड वाला यार कुछ भी मत करना, जिंदगी बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ इसमें आप कर सकते हो, ठीक है, तो इन सबसे दोस्तों आप बच के रहना, कभी भी इन सब बातों पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो मैं बता दूं दोस्तों, अब सीएम भूपेश बघेल जी के पास ही जाओगे तभी कुछ हो पाएगा, अब मुझे नहीं लगता यार अब ऑनलाइन का चांसेस है, क्योंकि मैं भी दोस्तों पहले रैली को देखकर, पंडित रविशंकर में इतना बड़ा रैली हुआ था, बस्तर यूनिवर्सिटी में हुआ था, सरगुजा में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था, दुर्गम हुआ था, इसको देख के मैं भी ऑनलाइन होगा ऐसा करके आप लोग नोटिस दे रहा था, लेकिन कल मैं जब खुद जाकर देखने आया दुर्ग यूनिवर्सिटी में तब मुझे पता चला कि कुलपति जी पूरा ऑफलाइन के पक्ष में है, कोई भी हालत में वह ऑनलाइन होने नहीं देगी, और कुलपति जी जो निर्णय लेते हैं ना वही शासन के पास जाता है, शासन का है यार, जो कुलपति बताएंगे वही शासन निर्णय लेगा, ठीक है ना। अब सीएम भूपेश बघेल जी को कुलपति जी खुद बोलती कि बच्चे यहाँ पर धरना के लिए आ रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम की मांग के लिए, तो सीएम भूपेश बघेल जी आप बच्चों की भावना को सुनो और हमारी भावना को सुनो और ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराओ, तभी होता, लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला है, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, मैं सही बता रहा हूँ,
अब देख लो यार बहुत कम टाइम है, कई लोग तो अभी बुक भी नहीं खोले होंगे, कई लोग किताब कॉपी किताब भी नहीं लिए होंगे, जैसे मैं भी नहीं लिया था, लेकिन मैं बताया था एक वीडियो में कि मैं ले लिया हूँ, मतलब 15-20 दिन हो गया मैंने ले लिया हूँ। तो आप भी ले लो यार और YouTube में सर्च करके थोड़ा वो पढ़ाई करते रहो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि इस प्रकार के फेक नोटिफिकेशन प्लीज आप बच के रहिए। ऑनलाइन लिखा रहेगा लेकिन वो बहुत फेक रहता है, और असली भी रहेगा ना तो इधर का नहीं रहेगा, पहले बता दूं, दूर का परसों का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम होना तय है। 25 तारीख को मीटिंग जरूर है लेकिन मीटिंग में कुछ फैसला नहीं होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन के ऊपर मीटिंग में फैसला नहीं आएगा, सिर्फ टाइम टेबल के बारे में वहां पर फैसला रहेगा। तो बी केयरफुल यार, आज की इस वीडियो में बस यही अपडेट देने वाला था। कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम में जुड़ जाइए। तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही यार, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।